शनि ने बदला घर, समाप्त हुई पनौती। मीन राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाले समय में मिलने वाली है। खास करके 6 अप्रैल से 3 अक्टूबर तक शनि की कृपा आपके ऊपर बनेगी और उसके बाद गुरु जो कि आपकी कुंडली में लग्नेश होते हैं, इनकी भी कृपा जबरदस्त तरीके से मीन वालों पर बरसने वाली। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। शनि देवता की अपार कृपा आप पर बरसने वाली है। 7.5 का प्रथम चरण आप झेल रहे हैं और वर्तमान में शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके लग्न पर विराजमान है। यहाँ पर राहु का विराजमान होना और शनि का राहु के नक्षत्र में गोचर करना, ऊपर से 7.5 का प्रभाव देना कहीं ना कहीं सभी मीन वालों के लिए समस्याएं खड़ी किए हुए है, क्योंकि शनि एक तरफ तो आपकी आमदनी को रोक रहे हैं, आपके पास धन आने को रोक रहे हैं और दूसरी तरफ शनि जो है आपके भाग्य को भी बाधित कर रहे हैं, भाग्य का साथ आपको नहीं लेने दे रहे। तो मीन राशि वालों के लिए विशेष दिक्कत जो बनी हुई थी 6 अप्रैल से धीरे धीरे वह दिक्कत सॉल्व होते हुए नजर आए। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मीन वाले यह जो भविष्य फल है शनि के नक्षत्र परिवर्तन का अपने लग्न कुंडली और चंद्र राशि दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है, आपकी चंद्र राशि क्या है, तो भैया इसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को आप समझ सकते हो। 6 अप्रैल को शाम को शनि देवता पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने लगेंगे, जो कि गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है और आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति मुख्य ग्रह होते हैं, आपके कर्म क्षेत्र के मालिक होते हैं और दूसरी चीज आपके व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, यानी आप कह सकते हो पूरा आपका शरीर कमांड करते हैं गुरुदेव बृहस्पति। शनि का जब गुरु के नक्षत्र में गोचर होगा तो सबसे पहली चीज गुरु का ये प्रभाव लेकर के काम करना शुरू कर देंगे, जिसके फल स्वरूप शनि की जो दृष्टियां हैं जो बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव डाल रही हैं उनमें काफी हद तक का कमी आते हुए दिखाई पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से दुष्प्रभाव खत्म ही हो जाएगा जड़ से, लेकिन मान के चलो 50% से ज्यादा आपको राहत 6 अप्रैल के बाद से मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, आमदनी के स्रोत खुलने लगेंगे। और दूसरी चीज, आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं तो शत्रुओं का हनन होगा, निश्चित तौर पर शत्रुओं पर आप विजय हासिल करोगे, यात्राएं करोगे, देश विदेश जाना चाहते हो तो समय बहुत उत्तम शुरू हो जाएगा, यानी कि यदि वीजा वगैरह नहीं लग रहा था तो वीजा लग जाएगा और कहीं ना कहीं आपको सफलता उसमें मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। सबसे कमाल का रिजल्ट ये मिलेगा कि जो भाग्य आपका रोक रहे हैं शनि देवता, इससे कहीं ना कहीं आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, यानी कि भाग्य आपका धीरे धीरे साथ देना यहां से 6 अप्रैल के बाद से शुरू कर देगा। हालांकि शनि का शुभ प्रभाव आपको 18 अगस्त तक ही मिलेगा, बाद में वक्री होकर के पुनः सतभिषा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में गोचर करने लगेंगे और फिर यहां पर ये 26 दिसंबर तक का रहने वाले हैं। लेकिन आपको घबराना इसलिए नहीं है, तब तक आपके लग्नेश भरपूर मात्रा में आपका सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि लग्नेश 1 मई को तीसरे भाव में जाएंगे और जैसे ही ये तीसरे भाव में जाएंगे, शनि जो कि आपके भाग्य को रोक रहे हैं, लग्नेश उस भाव के प्रभाव को बढ़ा करके आपको भाग्य का साथ दिलाने का काम करेंगे। उधर मीन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी यह भी है कि आने वाले मई के बाद से सुंदर शादी के आपके योग बन जाएंगे। अगर शादी के योग आपकी आयु है तो मान के चलो भैया आने वाले समय में शहनाई आपके घर बजने वाली है। वैवाहिक जीवन में अगर आपके दिक्कत चल रही है तो मान के चलो आने वाले समय में वह दिक्कत सॉल्व होगी, पति पत्नी में आपस में प्रेम बढ़ेगा, छोटे भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, नौकर चाकर आपका सपोर्ट करेंगे और सबसे जबरदस्त फल आपको आपके कार्य क्षेत्र में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। नौकरी में जो व्यक्ति बदलाव चाहते हैं उनके लिए आने वाले समय में खास करके मई से बड़ा सुंदर फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा,
जॉब वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हो तो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज बार बार आपको मिलेगी। और कमाल की बात यह है, मन चाही जॉब आप पा सकते हो आने वाले समय में। जो लोग राजनीति वगैरह में जुड़े हैं उनके लिए भी विशेष सुखद समय शुरू होने वाला है। लग्नेश की कृपा से आर्थिक स्थिति में जबरदस्त तरीके से आने वाले समय में सुधार होगा और उधर शनि की भी मेहरबानी आपके ऊपर बनने वाली। कुल मिलाकर के अगर एक लाइन में कहें तो आने वाले समय में व्यापार में लाभ, धन का लाभ, नौकरी का लाभ, दैवी कृपा बनना, यात्राओं से लाभ, इतने प्रकार के लाभ गुरु और शनि दोनों आपको देने वाले हैं। तो समय का सदुपयोग करिए, कुछ नया करना हो कल डालिए। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिख करके वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं, नमस्कार।